हमारी जी गड्डी निकली आज सुबह सुबह जलंधर से और आगे बढ़ते बढ़ते नेशनल हाईवे 44 पे हम पहुंच गए छोटे से गांव में जिसका नाम है तलवंडी कलां। तलवंडी कलां में क्या है, कुछ खास नहीं है जी, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेच पे आएंगे हाईवे के यानी जलंधर से निकल के अगर आप पठानकोट की तरफ जा रहे हैं तो आपको मिलेंगे बहुत ही कम ढाबे। सबसे ज़्यादा वैरायटी है वैष्णो ढाबों के, जहाँ पे आपको मिलेगा परौठा और दही। तो ये तो हम आपको दिखा चुके हैं, तो हम ढूंढ रहे थे वैरायटी और ढूंढते ढूंढते तलवंडी कलां पहुंच गए 80 किलोमीटर दूर जलंधर से, 38 किलोमीटर पठानकोट से न्यू पंजाबी ढाबा में। और यहाँ पे हम क्यों रुके, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे वैष्णो मिसिंग है, मतलब यहाँ पे शायद कुछ अंडे वंडे मिल जाएं। तो आगे जाके देखते हैं कि अंडे वंडे होते क्या हैं। लेकिन आपका काम ये है, संडे और मंडे आपका काम होता है कि आप गेस करो कि आज हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, यानी टुडे वेयर आर कार इज गोइंग टू स्टॉप इन द इवनिंग। तो आप बताना शाम को हमारी गाड़ी कहाँ रुकेगी। और मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के नाम जिन्होंने कल सही गेस किया था कि हमारी गाड़ी जलंधर में रुकने वाली है, क्योंकि उनके नाम अनाउंस करके उनके लिए तालियां बजाते। दीज आर वेरी गुड पीपल। ट्विटर पे है क्रेजी ट्विटर, वेल डन। यूट्यूब पे डॉक्टर भविन भट्ट, डॉक्टर साहब आपको हमारा सलाम। फेसबुक पे खुशपाल पहुजा और इंस्टाग्राम पे अली असगर फाकरी यानी AB Fakri 1। देखा, ये होते हैं मारती लोग जिनको पता होता है आगे क्या होने वाला है। तो आज आप भी गेस कीजिएगा हमारी गाड़ी शाम को कहाँ रुकेगी और कल हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। और गेस करते रहिएगा क्योंकि आपको पता हमारा, हम विचित्र टाइप के प्राणी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और ये देखिए अंदर आ गए, ब्यूटीफुल प्लेस। ओ ढाबे का नाम मैं भूल गया, हाँ न्यू पंजाब ढाबा। और यहाँ पर अंकल जो है वो परौठे वाठे बना रहे हैं, बाऊजी जो है वो ओवरसी कर रहे हैं सब कुछ, हमारे कैमरा मैन जो है बड़ी मेहनत करके खुद परौठे बनाए यहाँ पर, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ ज़्यादा हुई थी और लोग कम थे। तो ये जो है कंबाइंड मेहनत है बाऊजी की, हमारी, हमारे कैमरा मैन की और सारे क्रू की। तो सबसे ज़्यादा डर मेरे को लग रहा है तले हुए आलू के परौठे से, क्योंकि ये हमारे कैमरामैन ने बनाया है और फिर खा लिया टेस्ट करने के लिए कि ठीक है कि नहीं। तो जब ये आया तो ऐसे आया, तो यानी अगर इनका अपना ढाबा होता तो बिल्कुल फेल हो गया होता, नौकरी इनको नहीं मिलती। सर ज़रा एक मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, खाना तो आपने बना दिया, खाना भी ज़रूरी था क्या? ज़रूरी था, ओके थैंक यू, वेरी गुड। तो अब वो कारण, अब देखिए सिंपल खाना है, वैरायटी कुछ खास है नहीं, बट इट इज़ डिलीशियस टेस्टी प्रिपेयर्ड हॉट ऑन द स्पॉट। और ये खास बात है, सुबह सुबह भजन चल रहे हैं यहाँ पर, नाश्ते में क्या है, तला हुआ परौठा जो कि ऐसा लगता है, ब्यूटीफुल आलू प्याज और तंदूर वाला परौठा जो ऐसा लगता है, परौठा सेम है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दिस इज तवा एंड दिस इज तंदूर। ऑमलेट है चार अंडे का यहाँ पर, और अगर उस ऑमलेट को आप खूब हिला दें बर्तन के अंदर तो उसकी बन जाएगी भुर्जी। तो ये है वैरायटी, टोस्ट है तवे पे बने हुए, दही है, चाय है, और अगर आप मक्खन मांगे तो साइज़ के हिसाब से मिलता है, यानी कि आपको चाहिए क्वार्टर, हाफ या फुल, ये आपकी तीन चॉइसेस हैं। तो हमने मांगा क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब होता है एक टिक्की मक्खन के चार पीस एंड वन पीस यू गेट। काफ़ी डिसअपॉइंटेड से थे मेरी शक्ल देख के, क्वार्टर क्वार्टर एक ही होता है, लेकिन क्वार्टर इज द सिचुएशन। तो अब मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ खाना, बाकी सब ने तो खा ही लिया ढाबे बचा सिर्फ मैं हूँ ये खाने के लिए। बड़े दिनों बाद सुबह नाश्ते में परौठे के साथ भुर्जी, और पनीर की भुर्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंडे की जो होती है ना इसकी बातें और होती है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो तवे के तले हुए परौठे के साथ भुजिया या भुर्जी इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जो फ्लेवर है एकदम टच बैठता है। तंदूरी परौठा मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ दही के साथ खाने का, एंड ऑफ कोर्स अचार, लेकिन पंजाब में बढ़िया से मसाला डाल के बनाते हैं तो मैंने सोचा क्यों उसको ख़राब करें। मिल्क प्रोडक्ट्स में दही, मक्खन, दूध, ये पंजाब में आपको हमेशा सॉलिड मिल जाएगा, नो कंप्लेंट्स। तो
अब थोड़ा इंग्लिश बनने का टाइम आ गया। अपना देसी स्टाइल नॉन हिलाई हुई भुर्जी, जिसको यहाँ पे ऑमलेट कहते हैं, यानी स्थिर भुजिया, तो स्थिर भुजिया को हमने डाला दो टोस्ट के अंदर। क्वार्टर मक्खन कहाँ गया अगर आप सोच रहे थे, तो यहाँ पे आया वो। और फिर चाय हमेशा बढ़िया मिलेगी, चॉइसेस होती है मीठी कि बिना मीठे। हमने बिना मीठे मांगी तो मतलब इसमें 3-4 चम्मच चीनी है सिर्फ, अगर आप मीठी मांग लेते हैं तो हो गया होता काम। तो यहाँ क्यों रुके, नो पर्टिकुलर रीज़न, अंडे खाने का मूड था सुबह सुबह। ब्रेकफास्ट इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। अब देखते हैं आगे जाके गाड़ी कहाँ कहाँ जाती है और आज आपको खाने में क्या क्या मिलता है। तब तक मैं अपनी स्थिर भुजिया और तवे का पराठा खाता हूँ। भाई और कोई है किसी ने टेस्ट करना है तो आ जाओ।